अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 5 वंडो के लेसन नंबर 39 को, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फीमेल प्रोडक्टिव हेल्थ। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि फीमेल्स की प्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो हैं वो रिलेट करती हैं। इसके अंदर हम तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहली है डिसमोनेरिया, तीन आए हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। डिसमेनोरिया, ये आमतौर पर यंग फीमेल्स में पाई जाती है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शदीद किस्म की दर्द होती है। ये दर्द दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी दर्द के अंदर विदाउट एनी कॉजल डिजीज़, किसी बगैर डिजीज़ के होता है, और इट यूजुअली बिगिंस इन टीन्स एंड डिसअपीयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। टीन एज में ये होता है और बच्चे की बर्थ के बाद ये दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। और सेकेंडरी के अंदर कह रहा है कि ये ख़ुद भी एक बीमारी के तौर पर जाहिर हो सकता है और किसी और बीमारी के नतीजे में भी हो सकता है। एटियोलॉजी क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, फिज़िकल कॉजेज़ क्या हैं, कि फिज़िकल कॉजेज़ के अंदर कह रहा है कि ये जेंडर, ये ग्लैंड्स में बीमारी का बायस है, इनमें ज़्यादती की वजह से ग्लैंड्स के अंदर, मतलब मखसूस ग्लैंड्स हैं ये, प्रोस्टाग्लैंडियंस हैं जो ये ग्लैंड हैं मखसूस किस्म के, इनके अंदर अगर ज़्यादती होती है तो ये बीमारी कॉज होती है। साइकोलॉजिकल जो है कॉजेस के अंदर कह रहा है कि हाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस जो होती है जो ये इस बीमारी का कॉज बनती हैं, सबब बनती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, फिज़िकल ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है कि इस तरह के इनहिबिटर्स इस्तेमाल की जाते हैं जो कि इसके ग्लैंड जो हैं, जिस ग्लैंड की वजह से ये बनती हैं उनको बनने से रोकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज भी इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर कह रहा है कि जब बॉडी एक मखसूस अराउजल की स्टेट में होती है तो इसकी सोच परसेप्शन भी तब्दील बदल जाती है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से पहले वुमेन डिप्रेशन और इरिटेशन महसूस करती है। ये हम पढ़ रहे थे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS भी इसको कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिस्टम सिंड्रोम PMS, यानी कि बॉडी एक ख़ास अराउजल की स्टेट में हो तो इसकी सोच और परसेप्शन बदल जाती है बंदे की। जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से पहले वुमेन जो है डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो इरिटेट होती हैं छोटी छोटी बात पर। इसके अंदर कह रहा है कि एटियोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन शामिल है, कि इफ़ेक्ट ऑफ इंसफिशेंट प्रोजेस्टेरोन, इंसफिशेंट प्रोजेस्टेरोन रिलेटिव टू एस्ट्रोजन और हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशो। उसके अलावा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर कह रहा है कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर कह रहा है कि अराउजल जो है लोगों, इनके अंदर जब ये चीज़ होती है, कंसिस ज़्यादा होती है, तो इनकी जो है थेरापी के ज़रिए इनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको काम डाउन किया जाता है, उनकी इस इरीटेशन को, इस मसले के साथ इनको कोप करने में इनकी हेल्प की जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है कि ये ट्रीटमेंट के अंदर भी सेम मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई या फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर कह रहा है कि जो फिजिशियंस जो स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि PMS इज़ कॉज बाय लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, वो इस तरह के इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेस्टेरोन थेरापी इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर इस तरह के इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं जो कि इसमें कमी लाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर वही सेम बात होगी कि एक्सरसाइज की जाती है, इमेजिन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज विद इमेजरी, कॉग्निटिव थेरापीज की जाती हैं, चेंजिंग अप्रेजल ऑफ सिचुएशन, रोल मॉडलिंग थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स फ्री फीमेल्स, मतलब सिम्टम फ्री फीमेल्स की वीडियो दिखाई जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने आप को रिलैक्स फील करें। लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल के अंदर भी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, उनका लाइफस्टाइल इस तरह का किया जाता है कि वो खुद को रिलैक्स फील करती हैं। मीनोपॉज, तीसरी जो बीमारी वो मीनोपॉज है। ये चीज़ हर औरत फेस करती है जो 45 से 55 साल में इसका मेंस्ट्रुएशन का अमल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंसेस जो आते हैं वो आमतौर पर ख़त्म हो जाते हैं,
और फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, यानी वो मज़ीद बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स के अंदर कह रहा है कि हॉट फ्लैशेस और हॉट फ्लशेस होते हैं, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर तेज़ी से गर्मी, तेज़ गर्मी का एहसास होता है। इंक्रीज बॉडी वेट, हेडेज, सरदर्द होता है, उसके अलावा पसीना आता है, उसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोमिया होता है, डिप्रेशन होती है, डिजीनेस होती है, इनकी नींद पूरी नहीं होती, और इसके अलावा कह रहे हैं कि सेंसेशन ऑफ कोल्ड इन हैंड्स एंड फीट, इरिटेबिलिटी होती है, और इसके अलावा कह रहे हैं कि ब्रिटल बोन्स होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं, ब्रिटल बोन्स, यहाँ पे ब्रिटल कह रहा है कि कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल बोन यानी कि कमज़ोर हड्डियाँ। सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें पहली दो चीज़ें हैं कि ए नंबर वन, एक तो औरत का ख़ुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट मेनोपॉज के बारे में, यानी वो इसके बारे में क्या समझती है। दूसरा, शोहर और बच्चों का एटीट्यूड इस वक्त इसके साथ क्या है, ये भी इसके सिम्टम्स को ज़ाहिर करता है। ट्रीटमेंट क्या है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, एस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन इज़ यूज्ड। उसके अलावा इवनिंग प्राइम रोज ऑयल है, यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि ऑफ द हर्बल रेमेडीज़ इवनिंग प्रोमाइज, ये एक ऑयल का नाम है, प्राइम रोज ऑयल इज़ क्लेम टू हैव वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। एक्सरसाइज भी इसके लिए ज़रूरी है, कॉग्निटिव थेरेपीज भी की जाती हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो, थेरेपी जो होता है वो काउंसलिंग करता है इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ को इस से निजात हासिल करने के लिए। व्हाट नीड टू बी डन, इसको क्या ज़रूरत है, इसके अंदर किस चीज़ की कमी ख़त्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। हेल्थ के रिलेटेड फीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी इस तरह की बीमारियों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपने मदर्स, टीचर्स और अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करें, इसके अंदर किसी किस्म की हेजिटेशन फील ना करें। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन 39 PSY 512 का। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।